मिर्च की खेती पार्ट वन में आपका स्वागत है और इस वीडियो पर हम जानेंगे पार्ट वन में खेत तैयार, सही समय, मल्चिंग, वेड, ड्रिप सिस्टम और विसल डोज के साथ साथ एक्यूरेट नर्सरी डालने का और प्लांटेशन का सही समय क्या है। तो जो मिर्च की आज की इस वीडियो पर हम पार्ट वन पर काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमने फोकस किया है खेत तैयार पर, उसके साथ साथ वेड, मल्चिंग और ड्रिप, कितना डिस्टेंस पर आपको ड्रिप लगाना है, बेड की दूरी, डिस्टेंस कितना रखना है, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, में हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं चिली फार्मिंग पार्ट वन। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में। तो जो प्लांटेशन का टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त महीने पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है खेत की तैयारी। तो कृपया आपको काफ़ी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, सुनना है और समझना है। खेत की तैयारी बता रहे हैं बहुत ही बारीकी के साथ। सबसे पहले खेत के चारों तरफ साफ सफाई, फेंसिंग होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आपको गहरी जुताई करना है प्लाउ से। क्या होगा गहरी जुताई करने से, आइए समझते हैं। मोथा घास की जो गांठें होती हैं वह सूख जाएंगी। मिट्टी की सतह पर तेज धूप लगने से मिट्टी मलाई की तरह हो जाएगी। मिट्टी में रहित फंगस, नेमेटोड्स और वाइट ग्रब जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। जो मिट्टी में अधिक गर्मी व अधिक हीट है वह भी बाहर आ जाएगी। ऑक्सीजन का संचार बढ़ जाएगा, जिससे उत्पादन संभावित अधिक बढ़ेगा। बेड बनाने में आसानी होगी और भारी मिट्टी पर प्लाउ चलाना जरूरी भी है। बाकी हल्की मिट्टी पर आप, जैसे पीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी पर कल्टीवेटर से भी खेत तैयार हो जाता है। ये तो बात हो गई कि जैसे ही आपने प्लाउ चलवाया, लेकिन प्लाउ चलवाने के बाद 15 से 30 दिनों तक की तेज़ धूप लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है और अनिवार्य है। हमारे खेत में तेज़ धूप लग चुकी है, अब क्या करना होगा वो ध्यान से सुनिए। बरसात आने से पहले खेत की तैयारी, जैसे मल्चिंग है, ड्रिप को बिछा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि कल्टीवेटर चलवाना है आपको कुछ इस प्रकार, मिट्टी लेवल को समतल बराबर करने के लिए कल्टीवेटर को आप चलवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराना है। हैरो या फिर रोटोवेटर से अंतिम बार मिट्टी को भुरभुरी कराएं, एवं मिट्टी के जो डींगे हैं यदि आपको ज़्यादा बड़े समझ में आएँ तो आप हैरो चलवा दीजिए। इसके अलावा आपको करना क्या है, वेड तैयार करनी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, वेट मेकर या फिर वेड राइजर से आप बेड कुछ इस प्रकार की तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्टेंस। तो वेट से वेट की जो दूरी आपको रखनी है 2.5 फीट, विड्थ जो रखनी है आपको, वेट की चौड़ाई रखनी है आपको 2.5 से 3 फीट, और हाइट रखनी है बेड की ऊँचाई 1 फीट आप रखिए। इस बीच से आप बेडों को तैयार करें। वेट तैयार करते समय आवश्यक और जरूरी कृषि कार्य जो आपको ध्यान देने वाली बात है। वेट तैयार करते समय आवश्यक और जरूरी कृषि कार्य जिसको आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो हाफ वेट जब आप तैयार कर रहे हों तो उसके ऊपर आप, हाफ वेट जैसी आपने तैयार की उसके ऊपर आप 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद, कुछ इस प्रकार की लेयर बिछा दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। तो बेसल डोज कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन करके आपको वेड के अंदर देना है वो कृपया ध्यान से सुनिए। बेसल डोज आपको प्रति एकड़ की दर से हम बतला रहे हैं। 1 बोरी DAP डाइअमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम पाउडर फॉर्म वाली, और 30 से 40 किलोग्राम MOP पोटास आपको लेना है, और उसी के साथ आपको मिक्स करना है 10 किलोग्राम फिप्रोनर 0.3% GR, रीजेंट GR दानेदार कीटनाशक जो दीमक और जो जड़ों के पास लगने वाले कीटों की रोकथाम करता है। तो इन सभी को मिक्स करना है आपको। आवश्यक सभी खादों को आप एक साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से बेड के ऊपर दीजिए, एवं एक बार फिर वेड राइजर से आप बेड बनवाइए या फिर मिट्टी को आप चढ़वा दीजिए। अब अपनी वेड पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। जैसे ही आपने वेड तैयार कर ली, उसके बाद आपको कौन सा काम करना है, उसके बाद आपको ड्रिप एरीगेशन सिस्टम बिठालना है। तो मिर्च की फसल में 16 mm इनलाइन ड्रिप एरीगेशन को लगाना है। बेड के ऊपरी सतह बीचों बीच आप ड्रिप बिछा दीजिए, PVC पाइपलाइन से आप कनेक्ट कर दीजिए।
एंड में ठीक तरीके से खींचकर बांध दीजिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जो मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिग जैग की प्लांटेशन होती है, यानी डबल लाइन पर भी और सिंगल लाइन पर भी प्लांटेशन की जाती है। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस आपको रखना है 1.5 फीट, और यदि आप जिग जैग यानी डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 2 फीट। ड्रिप आप 1.5 फीट बटन वाली लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी है उसके हिसाब से ही निर्भर करता है कि हमको जो ड्रिप लगानी है उसका जो डिस्टेंस है कितना मैनेज करके रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मल्चिंग पेपर। किसान भाइयों के कमेंट अक्सर आते रहते हैं मल्चिंग पेपर्स को लेकर। तो मल्चिंग पेपर मिर्च की फसल पर आप कम से कम 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाइए, और 1 एकड़ में 6 से 7 बिंडल लग जाते हैं। लगभग आपको 1 एकड़ का खर्च 12,000 से 14,000 रुपये के आसपास मल्चिंग पेपर लग जाएगी, ऊपर से सिल्वर और नीचे से ब्लैक। बेड की कुछ इस प्रकार की आपको कटिंग करनी है। ये जो मिट्टी की हम कटिंग कर रहे हैं, यह मिट्टी वापस से हम बेड पर चढ़ा देंगे। मल्चिंग पेपर को आपको कैसे इंस्टॉल करना है कृपया ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में मल्चिंग की जो प्रारंभिक छोर होती है उसको आप मिट्टी से दबा दीजिए, और मल्चिंग के रोल को 2 व्यक्ति खींचेंगे और 2 व्यक्ति फावड़े औजार की सहायता से मिट्टी को बैक साइड से चढ़ाते आएंगे, कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। छोटी छोटी बातें आपको भूलना नहीं चाहिए। कौन सी बातें? जब भी आप मल्चिंग पेपर बिछाएं तो 3 दिन पहले से ही ड्रिप चलाना चालू कर दीजिए, 1-1, 2-2 घंटे। तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी के अंदर वेट के अंदर जो गर्माहट है, हीट है, वह बाहर निकल जाएगी। तो ये काम बहुत ही ज़रूरी है। 2-3 दिन आप मल्चिंग पेपर बिछाने से पहले सिंचाई जरूर कर लीजिए। इसके अलावा ड्रिप एरीगेशन पद्धति देखिए। आप ड्रिप एरीगेशन टपक सिंचाई से मिर्च की खेती कर रहे हैं तो ड्रिप की आवश्यकता पड़ेगी, मल्चिंग पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, फिल्टर, बेंचुरी, 1 ड्रम, PVC पाइपलाइन, मेल लाइन, सब लाइन, पानी की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर डैनेज सॉइल होनी चाहिए, जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, स्टार्टर मशीन एकदम न्यू फ्रेश होनी चाहिए, खाद का खर्च, बीज, दवाई और मजदूरों का, लेबर का खर्च, स्प्रे के लिए लेबर, हार्वेस्टिंग के लिए, इसके अलावा बांस, रस्सी और मार्केटिंग का पूरा नॉलेज, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन और मैनेजमेंट, सब कुछ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगला और नेक्स्ट कृषि का टॉपिक है प्लांटेशन से पहले मल्चिंग पेपर पर होल्स आपको लेना पड़ेंगे। इस प्रकार के टूल्स में लकड़ी के कोयले को भरकर ड्रिप को देखते हुए सावधानी पूर्वक आप मल्चिंग पेपर पर 2 इंची होल्स ले सकते हैं। जिग जैग यदि आप जिग जैग प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं, हमारे हिसाब से यदि आप एक न्यू फार्मर हैं तो आप जिग जैग मिर्च की प्लांटेशन करिए। इसके अलावा प्लांटेशन से पहले 2 बार आप, यह जानकारी कोई नहीं बताएगा, जैसे ही आपने ड्रिप बिछा दी और प्लांटेशन मान लो आपको अगले हफ्ते करना है, तो आप प्लांटेशन से 2 बार 10-10 या फिर 5-5 दिनों के अंतराल पर लिक्विड ट्राइकोडर्मा चला दीजिए ड्रिप बेंचुरी के सहायता से। तो उससे क्या होगा देखिए, डंपिंग ऑफ और बिल्ट जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन आप खेती कर रहे हैं तो आप सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए। उससे क्या होगा कि पहले सॉइल टेस्ट हो जाएगा तो उसके हिसाब से ही फर्टिगेशन शेड्यूल चलते हैं कि आपकी मिट्टी कैसी है, उस पर कौन से कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, उसके हिसाब से ही फर्टिगेशन और बेसल डोज दिया जाता है। और बाकी पूरा हमारा जो चक्र होता है फसल का वो निर्भर डिपेंड करता है फर्टिगेशन शेड्यूल पर। तो सॉइल टेस्ट आप करा लीजिए। मिर्च की फसल पर प्लांटेशन का एक्यूरेट और सही टाइम क्या है? तो मिर्च की फसल का जो प्लांटेशन का सही टाइम है वो है जुलाई एंड पर आप मिर्च की प्लांटेशन कर दीजिए। अब जब आपको जुलाई एंड पर प्लांटेशन करना है तो आपको प्लांट की जो ज़रूरत पड़ने वाली है, यानी नर्सरी की जो तैयारी की जो डेट है, वो जुलाई 1 जुलाई पर आपको नर्सरी की वीडियो हम आपको दे देंगे। यानी 1 जुलाई के आसपास आप नर्सरी डाल दीजिए। अब किस प्रकार नर्सरी तैयार करनी है, इन सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो जुलाई के प्रारंभिक सप्ताह पर आप नर्सरी तैयार कर लीजिए और एंड पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। मिर्च की नर्सरी किस प्रकार तैयार करना है? सरल और आसान मेथड, घर पर आप तैयार करें वो भी लगभग 70% आप पैसा बचा सकते हैं यदि आप घर पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो। तो नर्सरी की एक स्पेशल पार्ट 2 पर नर्सरी की स्पेशल वीडियो आएगी,
और अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.advanceagriculture.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपका दोस्त शिव कुमार, आज की वीडियो में पार्ट वन पर हमने काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में बताया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित पर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।